हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। तो इस वीडियो में गाइस हम यूज करेंगे हमारे जो भी कोलिजन डिटेक्शन का जो भी मेथड्स हमने स्पेसिफाई किए थे पिछले वीडियोस में, उन सभी का हम यूज करेंगे इनसाइड अवर अपडेट मेथड। सो लेट गेट स्टार्ट विद दिस वीडियो। तो ये दिस इज अवर अपडेट मेथड। तो यहाँ पे हमारे को जो कि एक कमेंट हमने लिखा था पिछले कुछ वीडियोस में, जो कि था कोलिजन डिटेक्शन कोड विद कंडीशंस। तो यहाँ से हम इस कमेंट को डिलीट कर देते हैं और देन यहाँ पे अब हम स्पेसिफाई करेंगे कंडीशन। तो पहला जो कंडीशन होगा वो हम यूज करेंगे चेक कोलिजन फॉर प्लेयर। तो यहाँ पे हमारे को एम प्लेयर ऑब्जेक्ट भेजने, अलॉन्ग विद दैट हमारे को एम बॉल ऑब्जेक्ट भेजने। इफ इट इज अ केस देन वी वांट टू हैंडल कोलिजन। तो हैंडल कोलिजन में हम फिर से वही एम प्लेयर भेज देंगे एंड देन यहाँ पे हम भेज देंगे एम बॉल। तो ये तो हमारी पहली जो कंडीशन है वो यूज करेंगे हम फॉर द प्लेयर और बॉल के बीच में, जो कि हमारा प्लेयर है नॉट अ ओपोनेंट, उसके बीच में जो भी कोलिजन होगा वो हम हैंडल भी करेंगे, अलॉन्ग विद दैट हम चेक भी कर रहे हैं कोलिजन। देन इसके बाद यहाँ पे हमारे को एल्स इफ स्टेटमेंट यूज करनी है। देन यहाँ पे हमारे को मल्टीपल कंडीशंस एक्जीक्यूट करनी, क्योंकि हम चाहते हैं कि सिर्फ एक बार में एक ही कंडीशन एक्जीक्यूट हो। दैट इज रीजन यहाँ पे एल्स इफ लेटर का मैं यूज कर रहा हूँ। और जो हमारा एआई वो तो अपने आप ही मूव होता ही रहेगा, जैसे जैसे हमारी बॉल मूव होगी तो उसको फॉलो करते हुए। देन यहाँ पे अब हम फिर से जो कि आते हैं हमारे कोड पे और यहाँ पे फिर से चेक कोलिजन का यूज करेंगे। चेक कोलिजन एंड दिस पॉइंट ऑफ टाइम फिर से हम चेक कोलिजन प्लेयर का करेंगे। अब यहाँ पे हमें जो कोलिजन चेक करना है वो होगा इस बारी ओपोनेंट के लिए, एम ओपोनेंट पास करेंगे और देन फिर से हमारा एम बॉल। इफ इट इज अ केस कि अगर हमारा जो कोलिजन डिटेक्ट हो रहा है, मीन्स जो कि हमारी बॉल है वो टकरा रही है हमारे प्लेयर से, तो हमारे को इस पर्टिकुलर हैंडल कोलिजन मेथड को यूज करना है। और अगर इस बारी जो कि सेकंड केस, अगर कि जो हमारा बॉल है वो ओपोनेंट और बॉल टकरा रहे हैं, देन हमारे को यहाँ पे फिर से हैंडल कोलिजन को चेक करना है। मीन्स जो हमारा रैकेट और बॉल के बीच का जो कोलिजन है वो हमारा हैंडल कोलिजन मेथड देख रहा है। तो यहाँ पे हम स्पेसिफाई कर देंगे फिर से एम ओपोनेंट एंड देन हमारे को सेकंड पैरामीटर पास करना है, जो कि होगा हमारा एम बॉल। इसके बाद else if कंडीशन फिर से हम स्पेसिफाई करेंगे, देन चेक कोलिजन अब यहाँ पे यूज करेंगे विद टॉप और बॉटम वॉल। तो टॉप और बॉटम वॉल के लिए अब हमारे को कोलिजन चेक करना है। इफ इट इज अ केस देन हमारे को यहाँ पे जो बॉल की वेलोसिटी है, जो कि मेरा एम बॉल है, एम बॉल डॉट वेलोसिटी, क्योंकि जो हमारा एम बॉल है डॉट वेलोसिटी, तो यहाँ पे हमारा जो वेलोसिटी है वो है वाई, उसको हमें यहाँ पे चेंज करना है इज इक्वल टू माइनस एम बॉल डॉट वेलोसिटी वाई। तो हमारे को इसको स्पेसिफाई कर देना है। इसके बाद हमारे को फिर से else if कंडीशन स्पेसिफाई करनी है, else if एंड देन हियर मुझे चेक दी कोलिजन फॉर दी लेफ्ट वॉल। तो यहाँ पे फिर से यूज करेंगे चेक कोलिजन फॉर दी लेफ्ट वॉल। इफ इट इज अ केस कि हमारी जो बॉल है वो लेफ्ट वॉल से इंटरेक्ट कर रही है, देन हमारे को यहाँ पे जो हमारा एम गेम स्टेट है उसको कॉल करना है, जो कि हमारा गेम स्टेट ऑब्जेक्ट का मेथड है, एम गेम स्टेट डॉट सेट स्टेट। अब यहाँ पे हमारे को जो स्टेट है उसको सेट करना है स्टेट, और जो हमारा गेम थ्रेड है उसके थ्रू हम एक्सेस करेंगे हमारी स्टेट को। सो गेम थ्रेड डॉट, यहाँ पे हमारे को डॉट स्पेसिफाई करना है, देन स्टेट इज एक्चुअली लूज, यानी जो हमारा प्लेयर है उसने गेम को लूज कर दिया है, ठीक है। क्योंकि जो लेफ्ट बॉल पे अगर हमारी, कहने का मतलब ये है कि बॉल हमारी लेफ्ट को टकराती है जो कि हमारी प्लेयर साइड है, तो प्लेयर साइड पे ये गोल हो चुका है, ठीक है। जैसे यहाँ से बॉल टकरा के जो हमारा एआई उसने बॉल को रिफ्लेक्ट किया और यहाँ से आके बॉल हमारी इस जगह पे टकरा गई, ठीक है, लेफ्ट पे, तो यहाँ पे हमारा लूज हुई गेम, क्योंकि हमारा जो प्लेयर है वो लेफ्ट साइड पे, तो ये जो जितना भी एरिया है ये हमारे प्लेयर का एरिया है। वापस आते हैं पॉन्क टेबल पे। अब जो हमारी लास्ट कंडीशन है फिर से हम else if स्पेसिफाई करेंगे एंड देन यहाँ पे हम चेक करेंगे कोलिजन फॉर दी राइट वॉल। तो राइट वॉल के लिए कंडीशन चेक करेंगे, तो यहाँ पे हमारे को फिर से एम गेम स्टेट को भेजना है सेट स्टेट, और यहाँ पे फिर से गेम थ्रेड का यूज करेंगे डॉट, और देन इसके बाद यहाँ पे हम यूज करेंगे स्टेट विन। तो गाइस यहाँ पे हमने पांचों कंडीशन यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया, लेकिन इसके साथ साथ हमारे को एक और चीज करनी है कि यहाँ पे हमारे को रिटर्न स्टेटमेंट भी स्पेसिफाई करनी है, सो दैट कि जो हमने स्टेट चेंज की है उसके बाद हमारे को गेम को रोकना है। So that is the reason कि यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट मैं यूज कर रहा हूँ। तो फाइनली गाइस ये हमने यहाँ पे सारा कोड हमने यूज कर लिया इनसाइड दी अपडेट मेथड। अब हमने अपने कोलिजन्स के हिसाब से हम स्टेट्स को भी मैनेज कर रहे हैं और हमारे जो बॉलर जो कि ओपोनेंट है और जो हमारा प्लेयर है उनके रैकेट्स की इंटरेक्शन को भी हैंडल कर रहे हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे मैं नई वीडियो अपलोड करता हूँ। और गाइस अगर आपको कोई क्वेरी आती है ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ दिस एप्लीकेशन, तो आप मोस्टली चीजों का आपको रिसर्च करना होगा इंटरनेट पे, जैसे कि ये चेक कोलिजन, जैसे कि अगर आप देखें तो यहाँ पे करंट टाइम मिलिस मेथड, ठीक है, कैनवस क्या है, तो जितने भी आपको यहाँ पे मेथड दिख रहे हैं आपको उनको एक एक करके सर्च करना होगा इंटरनेट पे। मीन जो कि सिस्टम जनरेटेड मेथड है, नॉट दिस वन की जो हमारा ये मेथड है जो कि हमने मूव बॉल बनाया, तो ये तो हमारा कस्टम मेथड है जो कि सिंपली मीनिंग कन्वे कर रहा है कि मूव करने के लिए हम यूज कर रहे हैं, जैसे कि कैनवस हो गया, ठीक है गाइस। तो ये सभी मेथड्स को आपको खुद जाके सर्च करना होगा इंटरनेट पे, और कोलिजन्स के बारे में आपको थोड़ा बहुत पढ़ना होगा। अगर आप एज अ बिगिनर हो, आपने कोई गेम डेवलप नहीं करी, तो आप कोलिजन्स के बारे में पढ़ो इंटरनेट पे कि क्या होती है कोलिजन्स, देन उसके बाद आपको काफी आइडिया मिल जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।